मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास इंटरमीडिएट। प्यारे बच्चों, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे, जिसमें लेक्चर टू में हम लोग पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदले थे। आज इस पार्ट लेक्चर थ्री में हम लोग कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे। तो बेटा, कंपैरेटिव को पॉजिटिव में बदलने के लिए कंपरेटिव डिग्री का अंतिम शब्द पहले लिखेंगे, कंपरेटिव डिग्री का अंतिम शब्द, ठीक है ना। फिर बेटा वर्ब लगाएंगे, वर्ब के बाद नॉट, अगर है तो हटेगा, नहीं तो लगेगा, ये रहा नाट का मामला। फिर बेटा जरूरत होगी तो एज, नहीं तो सो लग जाएगा। फिर उसके बाद कंपरेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री, फिर पॉजिटिव डिग्री, फिर बेटा एज आ जाएगा, फिर एज के बाद कंपरेटिव डिग्री का पहला शब्द, ठीक है ना, आप नोट कर लीजिएगा। तो बेटा इस प्रकार से हम इन वाक्यों को बदलते रहेंगे, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब नोट कर लीजिए, तो बेटा हम उदाहरण देते हैं, जैसे ही इज लॉन्गर देन आई, वह मुझसे लंबा है। तो बेटा अंतिम शब्द पहले आएगा कंपरेटिव डिग्री का आई, फिर वर्ब है आई के अनुसार आई एम, बेटा यहां पर कहीं नॉट नहीं इसलिए सिर्फ नॉट लगेगा, नॉट लगेगा तो शो आएगा, आई नहीं आएगा, आई एम नॉट शो लॉन्गर का पॉजिटिव होगा लॉन्ग, आई एम नॉट शो लॉन्ग एज ही इज, मैं उतना लंबा नहीं हूं जितना कि वह। जैसे बेटा आयरन इज मोर, आयरन इज नॉट मोर यूजफुल देन गोल्ड, आयरन इज नॉट मोर यूजफुल देन गोल्ड, जो लोहा है वो सोने के से ज्यादा, सोने से ज्यादा उपयोगी नहीं है। तो बेटा अंतिम शब्द ले लीजिए गोल्ड, वर्ब लगाइए इज, यहां पर नॉट है जिसलिए नॉट नहीं लगेगा, फिर बेटा गोल्ड इज एज, ठीक ना, यूजफुल यूजफुल, क्योंकि इसकी पॉजिटिव यूज यही होगी, गोल्ड इज एज यूजफुल एज आयरन, ये आपका हो गया बेटा। इस प्रकार से आप बदलते चलेंगे, आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप नोट कर लीजिए, एक और उदाहरण ले लीजिए, नेहा इज
more intelligent than Sonam. Neha is more intelligent than Sonam. तो बेटा जब पॉजिटिव में लाएंगे पहले हम सोनम को पकड़ेंगे और सोनम को यहाँ पर ला करके बैठा देंगे। सोनम बैठ गई, फिर सोनम कह रहे अकेले नहीं बैठेंगे क्योंकि हमको वर्ब दीजिए, तो आप यहीं से निकाल करके उसी टेंस के अनुसार इज वर्ब दे दिया। सोनम कहती हैं कि श्रीमान जी यहाँ पर नाट नहीं है, हमको नाट दीजिए, आपने इनको नाट दे दिया। और जब नाट दे दिया सो या एज मांगेंगी तो नाट है तो आप सो दे देंगे। फिर मोर इंटेलिजेंट का पॉजिटिव होगा इंटेलिजेंट, आपने इंटेलिजेंट दे दिया, फिर बेटा एज लगा दिया, फिर क्या कहते कह रहे नेहा भेजो नहीं तो तुलना किससे करोगे। सोनम इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज नेहा, सोनम उतनी इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि नेहा। तो बेटा नोट कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ जाएं। जैसे है बेटा दिल्ली इज बिगर देन लखनऊ, दिल्ली इज बिगर देन लखनऊ, ये उदाहरण आपको दे रहे हैं, आप लोग इसको करिएगा। दिल्ली इज बिगर देन लखनऊ, आप नोट कर लीजिए और इस उदाहरण को आपको करना है। इसमें बेटा अगला नियम हम लोग देख लेते हैं। बहुत इजी है बेटा, समझ में आ रहा होगा हमें उम्मीद है। अगला उदाहरण ये लिखिएगा, यदि कंपरेटिव डिग्री में शिप आर कंपरेटिव डिफा डिग्री में दैन के पश्चात एनी अदर आया है, दैन के पश्चात एनी अदर आया है तो पॉजिटिव डिग्री, पी फॉर पॉजिटिव डिफा डिग्री, तो पॉजिटिव डिग्री का वाक्य नो अदर से आरंभ होगा। तो पॉजिटिव डिग्री का वाक्य नो अदर से आरंभ होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो उदाहरण ले लीजिए, जैसे बेटा कहा जाए बॉम्बे इज लार्जर देन, बॉम्बे इज लार्जर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, इंडिया में किसी अन्य शहर की तुलना में बंबई बड़ा शहर है। तो बेटा आप देख रहे हैं सिटी, लार्जर के बाद दैन है, दैन के बाद एनी अदर आया है, तो यही एनी अदर को जब हम कंपेरेटिव में बदलेंगे तो नो अदर लगाएंगे। बेटा नो अदर, बेटा नो अदर लगाने के बाद एनी अदर के बाद के सारे शब्द आ जाएंगे। नो अदर सिटी इन इंडिया, अब वर्ब दीजिए इज। अब ध्यान ये रहे बेटा, नो अदर और एनी अदर अपने साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लेंगे, जो कि हम लोग अभी पढ़ेंगे सिंटैक्स में। नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो लार्ज एज,
किससे तुलना है? बॉम्बे. नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो लार्ज एज बॉम्बे. हो गया बेटा. अगला नियम लिखिएगा और नोट करते चलिएगा. आपके लिए एक उदाहरण हम देते जिसे आप करिएगा. उदाहरण ये है वाराणसी. आपके लिए उदाहरण है सी इज ओल्डर देन एनी अदर सिटी. ओल्डर देन एनी अदर सिटी इन यूपी. ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, इसे आपको करना है. इसी के साथ हम आपको अगला रूल बता देंगे बेटा. अगला रूल है यदि सी डी माने कंपेटिव डिग्री. यदि सी डी का मतलब कंपेटिव डिग्री, ठीक ना, में दैन के पश्चात कंपेटिव डिग्री में दैन के पश्चात मेनी अदर आया है. किससे क्या आया है? मेनी अदर. तो पीडी माने पॉजिटिव डिग्री का प्रारंभ वेरी फ्यू से किया जाएगा. बात नोट करते चलिएगा बेटा. अब एक चीज आपको पहले ही बताया गया था कि बेटा मेनी अदर तथा वेरी फ्यू के पश्चात प्लूलर नाउन तथा प्लूलर और बातें हैं. जैसे क्रिकेट इज उदाहरण है. क्रिकेट इज मोर पॉपुलर देन मेनी अदर गेम. देन मेनी अदर गेम्स. बात समझ में आई बेटा? देन के बाद मेनी अदर आया तो आप शुरू करेंगे वेरी फ्यू. गेम्स प्लूलर है तो वर्ब भी प्लूलर होगा आर. वेरी फ्यू गेम आर एज पॉपुलर एज क्रिकेट. वेरी फ्यू गेम्स आर एज पॉपुलर एज क्रिकेट. वेरी फ्यू गेम्स आर एज पॉपुलर एज क्रिकेट. आपके लिए एक उदाहरण देते हैं, आप उदाहरण लिख लीजिए जिसको हल करना है आपको. उदाहरण यह है द गंगा इज लार्जर देन मेनी अदर रिवर इन इंडिया. रिवर्स इन इंडिया, ठीक बेटा ना. तो आपने पॉजिटिव से कंपरेटिव में बदल लिया और कंपरेटिव से पॉजिटिव. कल के लेक्चर में हम लोग पॉजिटिव से सुपरलेटिव बदलेंगे, सुपरलेटिव से पॉजिटिव. तब तक मैं आपसे अलविदा लूंगा. बच्चों उदाहरण करिए, समस्या हो तो मुझसे संपर्क करिए, कमेंट करिए. वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए. नए बच्चे मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद विजय सर को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.